प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़े। ओपी, लगातार सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि किस तरह से किसानों की आय को दोगुना किया जाए, और उसी कड़ी में आज का जो ये सम्मेलन है बहुत कुछ इशारा करता हुआ। जी, 2014 से लेकर अब तक का आप अगर इतिहास देखेंगे तो इसमें आपको साफ पता चलेगा कि भारत सरकार की संकल्पना देश के गांव, गरीब, किसान और अन्नदाता की आर्थिक तरक्की और खुशहाली करने पर रही है, और अन्नदाता की आमदनी दोगुनी कैसे हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कैसे बने, इसी को लेकर न केवल कृषि में नवाचार किए जा रहे हैं बल्कि नवीन कृषि तकनीक अपनाने के अलावा सरकार नई नई योजनाएँ और नीतियाँ भी बना रही है। और इसी क्रम में आज जो किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये इसी का एक उदाहरण है। इस सम्मेलन में तकरीबन 16,000 किसान यहाँ आए हैं, और इसके साथ ही साथ जो कृषि से जुड़े नीति निर्धारक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, बैंकर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और साथ ही साथ 1500 एग्रीकल्चर स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां भी इसमें भाग ले रही है। तो निश्चित तौर पर कृषि को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना और किसानों को समृद्ध और खुशहाल करना इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है। यही वजह है कि सरकार का जो फोकस है वो बीते 8 साल में इसी चीज़ों पर रहा, और जब भी कोई प्रधानमंत्री सम्मेलन या कार्यक्रम करते हैं उसमें न केवल अन्नदाता को केंद्र बिंदु में रखते हैं बल्कि उनकी आर्थिक तरक्की, खुशहाली और वो किस तरह आधुनिक तकनीक से जुड़े, इस पर जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप के जरिए न केवल किसानों को ये बताया जाएगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, नवीन कृषि तकनीक को कैसे अपनाया जाए, बदलती मौसमी परिस्थितियों और 2047 का जो नया भारत है उसमें कृषि में किस तरह बदलाव जाए, इन सभी चीज़ों को देखकर सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, और यह सम्मेलन इसी का एक परिणति है। इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ की राशि किसानों के जरिए, किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए स्थानांतरित करेंगे। तो दिवाली पे किसानों को यह एक बेहतरीन तोहफा है, उनके खाते में सीधे पैसे जाएंगे और उनकी दिवाली के दिए भी रोशन होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार न केवल नीतियां और योजनाएं बना रही है बल्कि त्यौहार और पर्व ऐसे जब अवसर आते हैं तो किसानों के प्रति संवेदनशील भी नजर आती है। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम न केवल एक कृषि से जुड़ी तकनीक को किसानों पर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा बल्कि देश के अन्नदाता के प्रति सरकार की जो संवेदना है उसको दर्शाने का भी बड़ा केंद्र बिंदु होगा। इस कार्यक्रम की खास बात यह भी रहेगी कि इसमें तकरीबन 600 किसान समृद्धि केंद्रों का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। जब एग्री जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव होगा उसके उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे, और इन समृद्धि केंद्रों में जो किसानों को हमेशा फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों की दिक्कत आती थी, कालाबाजारी होती थी, फसल बुआई के समय उनको समुचित मात्रा में मिलता नहीं था और महंगे दामों पर उनको खरीदना पड़ता था, तो इस 600 किसान समृद्धि केंद्रों को खोल रही है, और जो गांव, ब्लॉक और तहसील जिला स्तर पर ये खुलेंगे वहां पर कृषि से जुड़ी न केवल तकनीक बल्कि खाद, बीज और अन्य तरह की जानकारी भी किसानों को घर बैठे मिलेगी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कई तरह के जो विजनरी जो दृष्टिकोण लेके देश के सामने रख रहे हैं उनको 1 बाय 1 पूरा करते भी जा रहे हैं, और इसी परिणति में किसान सेवा केंद्र है, किसान समृद्धि केंद्र है और अन्य तरह की जो स्कीम है वो लागू की जा रही है। बिल्कुल, और साफ तौर पर ओपी हमने देखा कि किस तरह से अड़तियों की कमर तोड़ने के लिए जिस तरह से बाजारीकरण को एक हाशिए पर लाकर उसे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया गया। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि कोविड काल में अगर किसी क्षेत्र ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया वो कृषि था, और कृषि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रयोग जो हैं किए जा रहे हैं। जी, जब कोरोना का काल था तब पूरी दुनिया घरों में सिमट गई थी, लेकिन भारत का जो अन्नदाता है वो सरकार की नीतियां और सरकार की सहूलियतों के चलते न केवल अन्नदाता ने अधिक अन्न उपजाया बल्कि कृषि से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स है, जो नीति निर्माता और जो वैज्ञानिक है, शोधार्थी, उन्होंने नए नए स्टार्टअप भी ईजाद किए। उनमें से कई सारे स्टार्टअप आज यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम लोग आपदा में भी अवसर किस तरह तलाश सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार की जो सोच है, भारत सरकार का जो सहयोग है, वो इन स्टार्टअप के जरिए देश और दुनिया को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो स्टार्टअप स्कीम है वो कृषि में ड्रोन की तकनीक हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, या कम लागत में अधिक उत्पादन लेना हो, या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कृषि में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी को लेकर ये स्टार्टअप का जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें एक तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आज का किसान है वो गेहूँ जो और उपजाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि इनका किस तरह मूल्य संवर्धन किया जाए, इनको किस तरह प्रोसेसिंग की जाए और कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के साथ साथ इनके वाजिब दाम भी ले, इन सभी तकनीक को किसान जोड़ेगा। खेत से बाजार तक जो तकनीक किसानों को पहुँचानी चाहिए उस दौरान जो रिस्क होती है उसको भी सरकार
किसान को कवर करने के लिए प्रेरित कर रही है। और यही वजह है कि जो किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसमें तकरीबन 1 करोड़ किसान देश के विभिन्न क्षेत्रों से, कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के जो संस्थान हैं, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय हैं और जो अन्य संस्थान हैं, उनके जरिए न केवल प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं बल्कि आत्मसात भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सम्मेलन न केवल एक दिल्ली में आयोजित हो रहा बल्कि पूरे देश में किसान इससे जुड़कर लाभान्वित होने का काम कर रहे हैं। और जब हम किसान सम्मान सम्मेलन, ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह के आयोजन हुए हैं ओपी और अब कई बार लगातार कवर भी करते हैं, कहीं ना कहीं जो एक मनोबल होता है, जो किसान अगर अपना आत्मविश्वास खोते भी हैं, किस तरह से इस तरह जब सरकार मदद करती है, आपके साथ खड़ी है, मनोबल और आत्मविश्वास को जागृत करता है अन्नदाता के मन में। जी, अब बीते 8 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस कालखंड के दौरान पहले, बहुत पहले ऐसे कभी कभी खबरें आ जाती थी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको समुचित सुविधा नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसानों को घर बैठे फ़ोन पे तकनीक की जानकारी, उनके मोबाइल पे मंडी का भाव जानकारी, खाद बीज कहाँ मिलेगा, तकनीक से संबंधित जो सूचना लेनी है, कौन सी योजना का बेनिफिट लेना, ये सब चीज़ें किसानों को न केवल द्वार तक पहुँच रही है बल्कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए सरकारी योजनाएँ उनको दिलाकर उनका लाभ भी दिलाया जा रहा है। तो अब जो सरकार समृद्धशील किसान, खुशहाल किसान, प्रगतिशील किसान का जो सोच लेके चली है, वो सच्चे मायनों में जमीन पे साकार भी होता दिख रहा है। आप प्रधानमंत्री की जो संकल्पना होती है, जब भी आप बजट का कार्यक्रम देखें या और अन्य कार्यक्रम देखें, उसमें न केवल सरकार किसानों को केंद्र बिंदु में लेकर योजनाएं बनाती है बल्कि इस तरह के जो किसान सम्मेलन है, किसान समृद्धि कार्यक्रम है, इनमें भी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एजेंडा सरकार का रहता है। यही वजह की सरकार ने तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, किसान खेत से लेकर बाजार तक जाएगा, इस दौरान उसको किस तरह की रिस्क हो सकती है, उसको कौन से नुकसान हो सकते हैं, इन सभी की रिस्क बीरिंग कैपेसिटी सरकार ने ले लिया और उनको मुआवजा देने के समुचित प्रावधान किए हैं। और आप देख रहे हैं किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने की जो योजना है, वो एक तरह से अन्नदाता को मुसीबत के वक्त आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है। बिल्कुल, और ये DBT के जरिए हो रहा है तो कहीं लीकेज की तो कोई, जी ये DBT के जरिए हो रहा है तो उसमें बिल्कुल, हाँ, तो कहीं पर भी हम लीकेज की बात, भारत सरकार स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और यही वजह है कि पारदर्शिता के जरिए, DBT के जरिए जो खाते किसानों, जो सरकार पैसा भेजती है, वो सीधा किसानों के खाते में जाता है। पिछली सरकार के दौरान इस तरह की घटनाएं अक्सर होती थी कि जो केंद्र से पैसा जाता है उसका बहुत कम हिस्सा किसानों तक पहुँचता है, लेकिन इस सरकार के जो दृष्टिकोण है, जो संकल्पना है, जो सोच है, वो पूरा पैसा किसानों के खाते में जाए और किसी तरह के बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाए, यहाँ पैसा जारी करती है सरकार, अगले ही पल किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं। और यही वजह है इसे किसान सम्मान निधि कहा गया कि क्योंकि सम्मानित तरीके से किसे पुरस्कृत किया जाए वो सरकार बखूबी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।